ये कहानी तो ऐसे शख्स की है जो बचपन में जिगरी दोस्त थे। थे, आज भी है, पर दोस्त नहीं। बचपन में इन्होंने कभी लंगोट नहीं पहना, नहीं तो ये आज लंगोटिया दुश्मन होते। दुश्मन हेलो। हाँ, कहाँ पर है तोर दोस्तों? पिटाई हो क्या? पिटाई बा? अरे पिटाई दे, लतखोर बढ़ रही बा, पिटाई तब ना सुधरी। हाँ यार, कम से कम ऐसा पिटाई कि 10 दिन याद रहे ओकरा। हेलो, कहाँ पर है तोर दोस्तों? पिटाई हो? हाँ का पिटाई बा, तू कहाँ पर है? वही जा। अरे तो मौका का फायदा उठाओ, दो चार लात तू हो लगाओ। काय कुर्सी खींच ले, तू देख ले हां। चल साइड ऑफ, चल साइड ऑफ, देख सही काम ना हो। चल साइड ऑफ, करा सिर्फ लोग बचल हट, बता दे मुझे। काम काज नहीं कहा हो? कद गए ले हमरा पिपल सब का के जा सोच वहां सो चले बरलाई बर वही लाइक देख ले तू। देख ले आ, तू ना कर ले। हां देख ले आ, ना देख ले तो साइड रह। राजू हट। जब शेर आता है ना तो सामने वाला साइड हो जाता है। जब सामने से भोका आता है ना तो हम खुद साइड होते हैं। साला गंध बर्दाश्त नहीं होता है। तो भोका कहाँ से ले भोका? बोलाई बात कहाँ भाई ना? अरे हम बिना दिमाग वाला से बातें ना करेंगे। बिना दिमाग वाला पता हो गांव में एक बार आम बेचे वाला आया है तो ये कथी कहा था? क्या कहा? कैसे लीटर आम बा? हाँ? आमा वाला पता हो क्या कहलक? क्या कहलक? साफा बोतले बड़े का। अच्छा तो पता भाई क्या कहलक? क्या कहलक? कोई तो कथी साफा बोतल धैले न बड़ी। अच्छा तो हम वाला पता हो क्या कहलक? क्या कहलक? क्या कहलक? क्या कहलक? अरे कहलक कि बेटा तोरा आम के ना बादाम के जरूरी बा। अच्छा एगो हम सुनैयौ। हां सुना। औकात में रह, समझ ले ना, औकात में रह। चल चल तू औकात में रह। हम गधा से बातें ना करे ले। हम तो इधर घोड़ा से बात ना करे ले। जबान संभाल के बात कर, समझ ले। हमरा से बात करे ला सर उठा के बात करे को तो समझ ले ना। तोहरा हमरा से बात करे ला सर झुका के बात करे के पड़ता।
हाइट बराबर औकात में रह, समझ ले। औकात में औकात देखे तू। अब बोल के का सा उठा के बात करे के जरूरी बा। हाय अबे गिर दे ऊपर से, चल जाबे नीचे, समझ ले ना। अभी उठा के फेंक दे ऊपर से नीचे, का समझी तेरे। तू हमरा एक का समझी भाई। विज्ञान का एक नियम है, दो बल विपरीत दिशा में होता है ना, तो परिणामी शून्य होता है और इसे कोई भी हिला सकता। पर यही बल एक दिशा में हो जाए ना, तो परिणामी डबल होता है और इसे कोई नहीं हिला सकता। आपस में मिलकर रहो यार, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं तो डरोगे तुम लोग और माजा कोई तीसरा लेगा। और तुम खेलो यार, पर खिलौना आदमी को मत बनाओ। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, नाम जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, दोस्ती एक बहुत बड़ी शब्द है। आपके लाइफ में एक दोस्त ही ऐसा होता है जिसके साथ आप हर चीज शेयर कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं। जात धर्म छोटा बड़ा ऊंच नीच यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। रिश्ते टूटते हैं और उससे जोड़ने पर गांठ भी पड़ती है, पर सही से जुड़ जाए ना तो कमजोर बिल्कुल नहीं होता। और बच्चा जब पैदा लेता है ना तो वो मात्र एक इंसान होता है और उसे मातृभूमि संभालती है, उसे अपना देश संभालती है, वो उसे भारत संभालती है। और ये धर्म वर्म का ठप्पा तो बाद में लगता है, और सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हम इंसान हैं और उसके बाद हम एक इंडियन हैं, और इसका जरूरी हमें बहुत है। भारत एक बहुत बड़ा ताकत का नाम है, पर हर ताकत के पीछे एक कमजोरी होती है, और यहाँ का कमजोरी है जातिवाद। और हम ये ठान ले, अगर हम अपने मन में ये पाल ले कि हम एक इंडियन है, तो ये एक भारत बहुत बड़ा शक्ति का रूप ले सकता है। और इस जातिवाद का फायदा हर कोई उठा रहा है, यहाँ तक कि ये विदेश वाले भी जानते हैं कि हाँ इंडिया में कमजोरी है, वो है जातिवाद। और इसका फायदा उठाया जा रहा है, शायद आपको नजर आ रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अपने अंदर को आग को दबाए रखे, क्योंकि इसे हमारे देश को बहुत जरूरत है। और हम अपने छोटे छोटे बातों पर भड़ास निकाल देते हैं। एक डीजल इंजन को चलाने के लिए उसमें वाटर सिस्टम लगाया रहता है, उसको ठंडा करने के लिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उसमें कूलिंग के लिए एक अलग से व्यवस्था लगाया रहता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है, उसके लिए कूलिंग का व्यवस्था लगाया रहता है, ताकि उसका हीट उसे न जला दे, ताकि उसका हीट उसे काम न करने लायक न बना दे। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि आपका हीट आपको जला सकता है। और आप अगर ज्यादा गर्मी में है ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता। फाइनली ये कि अपने आप को कूल रखे और एकता को जगाए रखे, क्योंकि इसे हमारे देश को बहुत जरूरत है।
तो दोस्तों मैंने अपना विचार यहाँ पे रखा, आपको अपना विचार कमेंट बॉक्स में देना है और इस दोस्ती के पैगाम को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाए और वीडियो को लाइक करें। ध्यान रहे आपका एक एक लाइक वीडियो के लिए बहुत मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।